हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी बाबा पर। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए जनरल स्टडी की क्लास शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य इस वीडियो में एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म करने का रहेगा, वो भी आपका बहुत ही कम समय लेते हुए। अगर आप नियमबद्ध तरीके से इस क्लास को फॉलो करते हैं तो आप जीएस और करंट अफेयर दोनों में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जा सकते हैं, जिसकी आज क्लास वन है, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण पार्ट जनसंख्या और नगरीकरण पढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो हर हाल में हमें प्राप्त करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अगली जनसंख्या 10 साल बाद यानी 2021 में होगी, लेकिन उससे पहले जितने भी एग्जाम होंगे हमें इसी के आधार पर जनगणना पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। भारत की कुल जनसंख्या है 1,21,00,000, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत है 51.47%, महिलाएं हैं 48.53%, लिंगानुपात है 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। जनघनत्व है 382। भारत की कुल साक्षरता है 73%, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता प्रतिशत है 80.9%, महिलाओं की है 64.6%। वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%, दस की वृद्धि दर है 17.7%। नगरी परिषद है 31.1%। 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, मतलब बच्चों की जनसंख्या परिषद जो है 0 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों की 13.6% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और क्षेत्रफल की से दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य गोवा है, और आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार है तथा क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। दस की वृद्धि दर, सर्वाधिक दस की वृद्धि दर 17.7% रही है अब तक, मतलब 2001 से 11 के बीच के हिसाब से। न्यूनतम दस की वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड, दूसरे पे केरल और तीसरे पे गोवा। सर्वाधिक दस की वृद्धि दर वाले राज्य हैं, पहले पे बिहार है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे पे लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर बिहार है। सर्वाधिक दस की वृद्धि दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर नगर हवेली, दमन दीव, तीसरे पे है पुदुचेरी। स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में शीर्ष अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो पहले नंबर पे है पंजाब, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल। पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्य ये हैं, पहले नंबर पर मिजोरम है, दूसरे पे नागालैंड, तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पहले पे है मिजोरम, दूसरे पे है नागालैंड। अनुसूचित जातियां 2011 के अनुसार देश में कुल अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या जो है वो 8.6% है। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे उड़ीसा है। शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य पहले पे लक्षद्वीप है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे नागालैंड है। 2011 की जनसंख्या में देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत व्यक्ति विकलांग है तो यह परसेंट है 2.21%। 2011 की जनगणना में किस प्रकार के विकलांगों की संख्या सर्वाधिक थी तो पहले पे है दृष्टि विकलांग, दूसरे पे है बधिर विकलांग। 2011 में किस राज्य में विकलांगों की संख्या सर्वाधिक थी तो यह राज्य है भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं जनघनत्व की। भारत का जनघनत्व है 382, शीर्ष जनघनत्व वाले राज्यों में। माफ कीजिएगा, मैंने पिछली स्लाइड में शायद बिहार को दूसरे नंबर पर बोल दिया था, लेकिन जनघनत्व में बिहार पहले पे है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पे केरल, चौथे पे उत्तर प्रदेश, पांचवें पे हरियाणा। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य पहले पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे मिजोरम, तीसरे पे सिक्किम और चौथे पे नागालैंड। शीर्ष जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे पुदुचेरी और चौथे पे दमन एवं दीव है। न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश में पहले पे अंडमान निकोबार है, दूसरे पे दादर नगर हवेली, तीसरे पे लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार अभी एक इसका आइलैंड है सेंटिनल करके, जहाँ पर एक विदेशी की हत्या कर दी गई थी वहाँ के आदिवासियों द्वारा, काफ़ी चर्चित रहा था ये। सर्वाधिक जनघनत्व वाले दो जिले पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे चेन्नई है। अनुसूचित जनगणना 2011 अंतिम 2011 के मध्य अनुसूचित जनजाति की दस की वृद्धि दर 20.8% रही है। देश में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या देश की जनसंख्या का 16.6% है। शीर्ष अनुसूचित राज्य
पहले पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे पर बिहार है, चौथे पे तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाले राज्य, पहले पे बिहार है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे झारखंड है। किस दशक में निराक्षरों की जनसंख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? तो यह दशक था 1991 से 2001 के बीच में। 2011 में भारत में कुल कितने लोग साक्षर हैं? तो इनकी संख्या है 76.34 करोड़, जो कि अब 2021 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपके पास फिर से आंकड़े आते हैं नए उसमें। 2011 में साक्षर स्त्रियों की संख्या यह है 32.88 करोड़। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता में कमी दर्ज की गई है? तो यह राज्य है बिहार, वहाँ पर केवल 51.5% स्त्रियाँ साक्षर हैं। देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की एक लिस्ट है, हम देख लेते हैं। पहले पर है लक्षद्वीप, दूसरे पे दमन एवं दीव, तीसरे पे अंडमान निकोबार, चौथे पे दिल्ली, पाँचवें पे चंडीगढ़। भिखारियों के हिसाब से सबसे कम भिखारी लक्षद्वीप में है, वहाँ शायद केवल एक भिखारी है, और सबसे ज़्यादा हैं पश्चिम बंगाल में। न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश यह है, पहले पे दादर नगर हवेली, दूसरे पे पुदुचेरी, तीसरे पे चंडीगढ़। शीर्ष साक्षरता वाले राज्य, तो यह आपको पता ही होगा, पहले पे केरल है, दूसरे पे मिजोरम है। अगर देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में 1% के हिसाब से भी मिजोरम पहले नंबर पे है। तीसरे पे गोवा है, चौथे पे त्रिपुरा है, पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश है। और पुरुष साक्षरता वाले राज्य में देखा जाए तो केरल है पहले नंबर पे, फिर लक्षद्वीप है, और फिर मिजोरम है। मतलब यह परसेंटेज दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले राज्य यही तीनों हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं, पहले पे बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, और आंध्र प्रदेश पाँचवें पे है, जिसकी साक्षरता है 67%। शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश, पहले पे पुदुचेरी है, दूसरे पे लक्षद्वीप है, तीसरे पे अंडमान निकोबार है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पहले पे दमन दीव है, दूसरे पे दादर नगर हवेली है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर की। जो देश की साक्षरता दर रही 2011 जनगणना के अनुसार वो थी 73%, पुरुषों की साक्षरता दर थी 80.9%, महिलाओं की साक्षरता दर थी 64.6%, और 2001 और 2011 के मध्य जो इनमें वृद्धि हुई थी वो 8.16% थी। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला सरचिप था, मिजोरम का, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षर था। देखा जाए तो केरल के बाद अगर सारे राज्यों और केंद्र शासित को मिला लिया जाए तो दूसरे नंबर पर सबसे अधिक साक्षर जिला राज्य मिजोरम है। शीर्ष साक्षरता वाले राज्य, पहले पे केरल है, दूसरे पे मिजोरम है, तीसरे पे गोवा है, चौथे पे त्रिपुरा है, पाँचवें पे हिमाचल प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य भी देख लीजिए, यह शायद स्लाइड दोबारा आई है, फिर भी हम देख लेते हैं। पहले पे बिहार है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे झारखंड, और पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है, जिनकी साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। लिंगानुपात 2011 के हिसाब से अंतिम आंकड़े जो आए थे उस पर भी देख लेते हैं। देश का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हैं, पहले पे तमिलनाडु है, जहां पर माफ कीजिएगा पहले पे केरल है, जहां का लिंगानुपात है 1084 अर्थात 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, और चौथे पे छत्तीसगढ़ है, जिसकी 989 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हैं, पहले पे हरियाणा है, जहाँ पर केवल 879 महिलाएं हैं हर 1000 पुरुषों पर। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895, उत्तर प्रदेश 912। मतलब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पाँचवें नंबर पर आता है। 2011 की जनगणना 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर 919 है। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% उत्तर प्रदेश में है। दूसरे पे महाराष्ट्र है, जिसकी 9.28%, तीसरे पे बिहार है 8.6% के साथ, और चौथे पे पश्चिम बंगाल है 7.54% के साथ। जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष केंद्र शासित राज्य कौन से हैं? तो पहले पर हमारी राजधानी दिल्ली है, दूसरे पे पुदुचेरी है, तीसरे पे चंडीगढ़ है, और पांचवे पे अंडमान और निकोबार है।
2013 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर ज्ञात करने वाला राज्य मध्य प्रदेश व असम थे। संसार के दो सबसे बड़े धार्मिक समुदाय ईसाई व इस्लाम हुए हैं। भारत की जनसंख्या जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रही है, तो यह अवस्था तीसरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14 वर्ष की आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है, तो यह प्रतिशत है 30.8%। देश की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष की आयु से कम लोगों का है, तो यह है 54%। इसका मतलब यह है कि भारत अभी युवा है। न्यूनतम दस की वृद्धि दर वाले राज्य पहले पे नागालैंड है, जहाँ की प्रतिशत वृद्धि दर हुई है, जो जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि दर माइनस में है, -0.6%। फिर केरल की है 4.9%। फिर लक्षद्वीप तीसरे नंबर पे आता है 6.3%। देश की जनगणना संविधान के अनुच्छेद में है, 246वें अनुच्छेद में है। जनगणना अधिनियम पारित हुआ 1948 में। गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग का गठन किया गया सन 1961 में। केंद्रीय स्तर पर शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होता है, ये आप समझ सकते हैं। भारत में कुल जिलों की संख्या है 640, कुल नगरों की संख्या है 7,933 और कुल गांवों की संख्या है करीब 6.5 लाख। सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुई थी 1749 में। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1872 में। भारत में नियमित रूप से जनसंख्या शुरू हुई लॉर्ड रिपन के काल में 1881 से। 2011 की जो जनसंख्या थी वो हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर है 17.7%। महान विभाजक वर्ष है सन 1921। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यह इम्पोर्टेंट है। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई 1961 से 71 के बीच में। भारत की जनसंख्या में 24.80% की दर से वृद्धि हुई थी, जो कि सर्वाधिक थी अब तक के हिसाब से। 2011 के मध्य राज्यों संघ क्षेत्रों में सर्वाधिक तथा न्यूनतम दस की वृद्धि दर वाले राज्य रहे हैं। तो सर्वाधिक रहा दादा नगर हवेली में और न्यूनतम रहा नागालैंड में। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, तो यह पहले नंबर पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर उत्तरी अमेरिका, तीसरे पर लैटिन अमेरिका। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर शंघाई चीन में है, कराची पाकिस्तान में है, दूसरे नंबर पर है, और तीसरे पर है मुंबई। विश्व की न्यूनतम जनसंख्या वाले नगरीकृत देश, लेकिन ये ऊपर वाला आंकड़ा शायद बदल गया है, अब दूसरे पे शायद मुंबई आ गया होगा, वैसे आप इसे देख सकते हैं। विश्व के न्यूनतम जनसंख्या वाले नगरीकृत देश हैं 2013 के हिसाब से त्रिनाद व टोबैगो, दूसरे पे है बुरुंडी। एशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरीकृत देश हैं, पहले पे है सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, ये तीनों पहले नंबर पे हैं संयुक्त रूप से। दूसरे पे कतर है, तीसरे पे कुवैत है। कतर में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक कम है पूरे विश्व में। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो पहले नंबर पर संयुक्त रूप से कई देश हैं, उनके नाम मैं बोल देता हूँ, सिंगापुर, मकाऊ, मोनाको, वेटिकन सिटी, बरमूडा, हांगकांग और केमैन। दूसरे पे है कतर, तीसरे पे है कुवैत या बेल्जियम। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो यह पहले नंबर पर है उरुग्वे, दूसरे पे है अर्जेंटीना, तीसरे पे है चिली। उत्तर अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगरीकृत देश कौन सा है, तो यह देश है पहले पे बरमूडा और दूसरे पे है ग्रीनलैंड। यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरीकृत देश हैं, पहले नंबर पे है मोनाको, दूसरे पे बेल्जियम, तीसरे पे माल्टा। 2011 की जनगणना में नगरीय संकुलन था 475, नगर वैज्ञानिक नगर थे 4,041 थे। भारत में 10 लाख की नगरों की संख्या है कुल 53, और इसमें से 7 उत्तर प्रदेश में हैं। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 9 है। 10 लाख से 40 लाख तक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 44 है। न्यूनतम महिला प्रतिशत जनसंख्या वाले देश, तो यह मैं बताया था आपको पिछली स्लाइड में कि पहले नंबर पे कतर है, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात UAE है, तीसरे पे ओमान है। जनघनत्व की दृष्टिकोण से 2013 के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे है मकाऊ और सबसे कम है ग्रीनलैंड, दूसरे पे मोनाको,
फिर न्यूनतम में देखा जाए तो मंगोलिया, और तीसरे पे सिंगापुर जनघनत्व में, और न्यूनतम है ऑस्ट्रेलिया। विश्व के किस देश की महिला प्रजनन दर सर्वाधिक है? तो यह देश है नाइजर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले देश हैं नाइजर, मलावी, तंजानिया और जाम्बिया। ये तीन के तीनों अफ्रीका के देश हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश हैं, पहले नंबर पे है यूएई, दूसरे पे है कतर, तीसरे पे बहरीन। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं आइसलैंड, मतलब आइसलैंड के लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा का मतलब मोर देन 80 होती होगी। न्यूनतम जीवन प्रत्याशा वाला देश सियरा लियोन है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले, बागपत है पहले नंबर पे, यह उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, दूसरे नंबर पे कन्नौज है और तीसरे पे बदायूं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परिषद जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले पे सोनभद्र है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, दूसरे पे ललितपुर है, तीसरे पे देवरिया है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति परिषद जनसंख्या वाले जिले हैं, पहला है बागपत जो कि पश्चिमी यूपी में है, दूसरे पे कन्नौज है और तीसरे पे बदायूं है। विश्व जनसंख्या देख लेते हैं। यूएन रिपोर्ट के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या कुल 9 बिलियन होगी, अभी करीबन 7 बिलियन के आसपास है या 6.5 बिलियन कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या 2015 के अनुसार पहले नंबर पे चीन है जो कि एशिया में है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूएसए है, चौथे पे इंडोनेशिया है, पाँचवें पे ब्राज़ील है। देखिए यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है कि भारत का जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया ही है, न कि अफ्रीका। यहाँ पर आप ये गलत दिया हुआ है। वैश्विक जनसंख्या की औसत आयु 2015 में 29.6 वर्ष थी। जनघनत्व 2015 में सर्वाधिक रहा एशिया में, फिर यूरोप में और तीसरे पे अफ्रीका पर। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले देश हैं, पहले पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे यूएसए है। लेकिन आने वाले 2-3 सालों में भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन को पीछे छोड़कर बन जाएगा। सर्वाधिक महिला प्रतिशत वाले देश पहले पे है कुरामाओ, दूसरे पे लाटविया, तीसरे पे लिथुआनिया। भारत सहित विश्व के कितने देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है? मतलब अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश होता, यानी 4 देश उससे बड़े हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। 2011 की जनसंख्या में लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात रहा 2011 की जनगणना में तो यह था 912 और भारत का था 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले थे, पहले नंबर पे था जौनपुर, दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पे देवरिया और चौथे पे प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन में पहले नंबर पे है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं, यह है गौतम बुद्ध नगर जो कि पश्चिमी यूपी में है, दूसरे पे बागपत, हमीरपुर संयुक्त रूप से, तीसरे पे कानपुर नगर, बांदा और मथुरा है, चौथे नंबर पर औरैया है। 2011 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण व नगरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः रहा, तो ग्रामीण जो थे उनका प्रतिशत था 77.7 और नगरी जनसंख्या का प्रतिशत था 22.3%। उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही नगरों की संख्या 7 हो गई है। सर्वाधिक नगरी जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले नंबर पे है गाजियाबाद, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर नगर और चौथे पे आगरा। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले पे गाजियाबाद, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे कानपुर नगर, चौथे पे गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम नगरीय प्रतिशत जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले पे श्रावस्ती है, दूसरे पे कुशीनगर है, तीसरे पे महाराजगंज, चौथे पे सुल्तानपुर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं श्रावस्ती, चित्रकूट, कौसाम्बी और चौथे पे है संत कबीर नगर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं तो यह है पहले नंबर पर इलाहाबाद, दूसरे पे आजमगढ़, तीसरे पे जौनपुर, चौथे पे सीतापुर। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे महोबा, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे है चित्रकूट। अनुसूचित जाति जनसंख्या उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का 16.6% है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं सीतापुर, इलाहाबाद, तीसरे पे हरदोई है। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले पे बागपत है, दूसरे पे श्रावस्ती है और तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति परिषद जनसंख्या वाले जिले हैं, पहले नंबर पे है कौसाम्बी, दूसरे पे सीतापुर, तीसरे पे हरदोई।
न्यूनतम अनुसूचित जाति परिषद जनसंख्या वाले जिले हैं। पहले नंबर पे है बागपत, दूसरे पे बरेली, तीसरे पे है बलरामपुर। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भारत की जनसंख्या क्या है 8.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं पहले पे है सोनभद्र, दूसरे पे बलिया और तीसरे पे है देवरिया। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के कुछ आंकड़े और हैं जो हम लोग देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 16.5% है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाले जिले हैं पहले पे इलाहाबाद है, दूसरे पे मुरादाबाद, तीसरे पे गाजियाबाद, चौथे पे आजमगढ़। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के पहले पे है महोबा, दूसरे पे है चित्रकूट, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे श्रावस्ती। नगर निगम सर्वाधिक बड़े जनसंख्या के अनुसार पहले नंबर पे है लखनऊ, दूसरे पे कानपुर, तीसरे पे गाजियाबाद। 2001 से 11 में दो उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर रही 20.22%, जिसका भारत में 15वां स्थान रहा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती व बहराइच। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले रहे पहले पे था कानपुर नगर, दूसरे पे हमीरपुर, तीसरे पे बागपत, चौथे पर फतेहपुर। 2011 की अंतिम जनगणना में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व रहा 829 और भारत का है 382। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले पहले पे है गाजियाबाद, दूसरे पे वाराणसी, तीसरे पे लखनऊ, चौथे पे भदोही। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं ललितपुर पहले नंबर पे है, दूसरे पे है सोनभद्र, तीसरे पे हमीरपुर, चौथे पे महोबा। 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% रही, जबकि भारत की थी 73%। उत्तर प्रदेश में 2011 में पुरुष व स्त्री साक्षरता क्रमशः था 77.3% और स्त्रियों का था 57.2%। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं पहले नंबर पे है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पर कानपुर नगर, तीसरे पे औरैया और चौथे पे है इटावा। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले थे पहले पे था श्रावस्ती, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर और चौथे पे बदायूं। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष वाले जिले हैं गौतम बुद्ध नगर, औरैया, तीसरे पे है इटावा। सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाले जिले हैं पहले पे है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे पे औरैया, तीसरे पे इटावा, चौथे पे गाजियाबाद। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं पहले पे श्रावस्ती, दूसरे पे बहराइच, तीसरे पे बलरामपुर, चौथे पे बदायूं। न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं पहले नंबर पे श्रावस्ती है, दूसरे पे बलरामपुर, तीसरे पे बहराइच और चौथे पर बदायूं। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले हैं पहले पे कानपुर नगर, दूसरे पे लखनऊ, तीसरे पे गौतम बुद्ध नगर और चौथे पे है औरैया। 15वीं जनगणना के अनुसार धर्म आधारित आंकड़े जारी किए गए थे 25 अगस्त 2015 को। 2011 की जनगणना में ईसाई धर्म में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। 2011 की जनसंख्या में जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय की संख्या सर्वाधिक थी, तो यह थी हिंदू 79.8% के साथ और दूसरे पे थे मुस्लिम। 2011 की जनगणना में किस राज्य में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू हैं, तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना में सबसे कम प्रतिशत वाला हिंदू केंद्र शासित प्रदेश था मिजोरम। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन हुआ 11 मई 2000 को। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना हुई थी फरवरी 2003 में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार और तीसरे पे पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य हैं तो पहले नंबर पे है हिमाचल प्रदेश और दूसरे पे है बिहार। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं पहले नंबर पे है सिक्किम, दूसरे पर मिजोरम। अभी अभी हाल में ही सिक्किम में इसको इसका पहला एयरपोर्ट मिला जिसका नाम है प्योंगकेंग करके, जो कि भारत का 100वां एयरपोर्ट है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाले राज्य हैं पहले नंबर पे है गोवा, दूसरे पे है मिजोरम। सर्वाधिक शहरी प्रतिशत वाले राज्य हैं पहले पर है गोवा, दूसरे पे मिजोरम। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं पहले नंबर पे है महाराष्ट्र और दूसरे पर है उत्तर प्रदेश। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य हैं पहले पे है सिक्किम और दूसरे पे है अरुणाचल प्रदेश।
तो इस तरह से हम लोगों ने जनसंख्या संबंधी सारे के सारे आंकड़े और सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी इसकी आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।